अस्सलाम वालेकुम, रिकॉर्डिंग पीछे ने मेकअप करना था तो हमने मेकअप किया ब्राइडल, वो कन्फ्यूज हो रहे थे मॉर्निंग शो था भी बहुत मॉर्निंग में अपना सारे काम हमारा कैमरा में क्लास में हमें इंटरव्यू भी जो मेकअप माइक की तरफ देखे कुछ बोले पूछे काम कैसा सर आप भी कुछ पूछ लेना देखे ओके उठा के भी बोल ओके ऑन रोल ऑन रोल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग रॉयल मॉर्निंग शो वसीम हसन, और आज हम बहुत खुश हैं इसलिए आज हम लाहौर में हैं और लाहौर भी शी बेंजी ब्यूटी कॉलेज लाहौर का बहुत ही बहुत बड़ा अदारा है। तो चूँकि हमारी कंपनी जो है सॉफ्ट ग्लो इस वक्त पैन पाकिस्तान डिफरेंट प्रोग्राम क्लासेस और हमारे हर मॉर्निंग शो का वो पार्ट है और उसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो ए एम चौहान साहब पाकिस्तान के नाम पर मेकअप आर्टिस्ट और बड़ी सेलिब्रिटी हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी आप तमाम दोस्तों को शामिल करना चाहूँगा, अपनी ऑडियंस को भी, अपनी पब्लिक को भी जो हमारा डेली मॉर्निंग शो देखते हैं। आज ज़रा प्रोग्राम हम थोड़ा सॉफ्ट सा करेंगे और आज हमारे मेहमान बड़े सॉफ्ट से हैं क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में आज जो काम करने जा रहे हैं जो कुछ किया है वो आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे शो में आज की खूबसूरत सुबह जो है उसमें बहुत खूबसूरत हमारी मेहमान मौजूद हैं। शी इज़ अ वेरी गुड ब्यूटिशियन और वो वाइस चेयरपर्सन है शिवंजी ब्यूटी कॉलेज की, लाहौर में एक अच्छा अदारा है। तो मैम सूबिया जाबिर साहबा हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ उनकी मॉडल भी मौजूद है, हम चाहेंगे सब उसका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाए। और मॉडल है इधर बहुत खूबसूरत हुआ है तो ये सुबह सुबह दुल्हन बनना ब्राइडल बनना फिर टेलीविजन पे आना पर ये उतना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है टेलीविजन पे आना आपके शो में आना खुशी की बात है। और यहाँ पर शिवंजी पे आना और साथ साथ अभी आपके साथ थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ फिर हम और बातें करते हैं। मैम सोबिया जाबिर साहिबा आप भी काफ़ी अच्छा से माशाल्लाह काम कर रही हैं शिवंजी के साथ। अच्छा पहले इससे पहले मैं शिवंजी की बात करूँ मेकअप की बात करूँ पहले हम सर ए एम चौहान की बात करूँ, बहुत बड़े उस्ताद हैं बड़े पोलाइटली सिखाते हैं। आज उन्होंने यहाँ पर क्लास भी भरपूर दी है हमने बहुत सारे मैंने आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों से सिखाऊंगा आपको। तो पहले तो ये बताइए कि सर ए एम चौहान कैसे टीचर हैं कैसे इंसान हैं और वो जो टेक्निकल चीज़ें समझते हैं आप उनसे कुछ सीख पाते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि सर चौहान के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि सर चौहान जो है वाकई में बहुत नाइस पर्सन है और उन्होंने इतना अच्छा वो सिखाते हैं कि जो उनकी स्टूडेंट है ना वो उनको बेटा और बेटी कहकर काम करते हैं। ये बात है कि ये कहने से नहीं होता जब उस्ताद उस्ताद होता है हाँ सारे बच्चे बेटे होते हैं लेकिन वो जिस तरह से मैंने उनको देखा ऑब्जर्व किया है वो बड़े ब्लाइंड अंदाज में प्यार मोहब्बत से ऐसे खेलते हैं ऐसी चीज सिखा जाते हैं माशाल्लाह से। आप लोग किस तरह सीखते हैं? वो हर दफा जो है ना न्यू टेक्निक सिखाते हैं और बड़ी बारीकी से काम बताते हैं। मॉर्निंग शो का डिस्कस तो चलती रही ज़ोबिया और मैं बातें भी करते रहे कंफ्यूज भी हुए और बड़ा अच्छा हमारा ये सेशन रहा। और ब्राइडल इरम भी बहुत कंफ्यूज हुई पहले तो फिर लेकिन ये कि सवालों जवाब में अच्छी तरह से बातें करती रही है तो आगे देखते रहे। और जिसको लाइक करते हैं जो आपका आइडियल होता है उसको हम डिस्कस भी ओपन करना चाहिए। सॉफ्ट ग्लो की बात करें आज सॉफ्ट ग्लो आपने पहली बार कैमरा पर यूटिलाइज किया है? जी सर मेकअप करने का है जी जी सॉफ्ट ग्लो को यूज़ किया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। रिजल्ट आपके सामने ही है और काफ़ी यानी मेहनत करना पड़ती है इसमें जो बेस है हमने बड़ी आसानी से इसको कवर किया है और इसका जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो इतना अच्छा है कि ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना नहीं पड़ी
और दूसरा ये कि देखें अभी तक बेर को यानी खराब नहीं हुई है, कोई कहते हैं ना क्रैक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक अच्छी यानी नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि सॉफ्ट ग्लो जो है बहुत इजी और बड़ी रीजनेबल प्राइस में है, और अब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और इंशाल्लाह आइंदा भी यूज़ करेंगे। और बहुत सारे ब्रांड्स पे काम किया है, बहुत सारा ब्रांड जो है हमारे वैनिटी बॉक्स में है, लेकिन जो ये ब्रांड है इसको मैं क्लैप करती हूँ। जो एडवाइजर होता है वो हर चीज आपको बेहतर सीएस करता है, तजवीज़ देता है। तो मैं समझता हूँ जो लोगों की फीडबैक है, आप भी बता रही हैं कि सॉफ्ट ग्लो के तमाम प्रोडक्ट बहुत कमाल किए हैं। दोबारा हम आते हैं अपनी मैम, बहुत अच्छी बेस है ये वैसे तो। अब आप बताएं, आप और मुझे भी तो काम भी किया, अच्छा लगा। सारी मेकअप की उन्होंने एक ऐसी किट बना दी, आप कैसे बताइए ये अच्छा है उनका फैसला था कि हर चीज़ एक जगह स्मार्ट सी कैरी करें जहाँ मर्जी जाएँ। हाँ जी, मैंने अभी सर ए एम चौहान को मैंने यही कहा था, मैंने कहा आपने इसका नाम सॉफ्ट एंड ग्लो रखा है, आप इसको इसका नाम रखते हैं मैजिकल, ठीक है ना, मैजिकल किट के नाम से रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत यानी शॉर्ट चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा उसकी वर्किंग है, यानी कि एक चीज़ जो है एक एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन एक चीज़ से उन्होंने तीन तीन चार चार बताए हैं मेथड कि आप इसे ये कर सकते हैं, आप इस चीज़ को फलां जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतनी छोटी वैनिटी में इतनी मुख्तसर सी जो चीज़ें हैं उसमें इतना अच्छा काम करना और इतना अच्छा काम होना, ये भी एक मैजिक ही है। और मैं तो बहुत खुशी हुई हूँ देखकर कि बहुत मुख्तसर सामान में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बात भी, जब आप मतलब सैलून का विज़िट करते हैं, जैसे सैलून स्पा पे जाते हैं, पार्लर पे जाते हैं, या ब्यूटी कॉलेज में जाते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि एक प्रोडक्ट यहाँ पड़ी हुई है कि वो आपका मस्कारा वहाँ पड़ा हुआ है, फलां वहाँ चीज़ पड़ी हुई है, वो उसके ले रहे होते हैं, वो उधर से ले रहे होते हैं जी, फलां ले आओ फलां ले आओ। लेकिन ये जिसके पास ये पूरी है उसको ज़रूरत ही लेफ्ट देखने की, वो जो प्राइस करना है वो करता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम सर एम चौहान सर को रेगुलर देखते रहते हैं, तो जिस अंदाज में स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं या स्टूडेंट अपने सैलून के लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ। आज सुबह सुबह उठ के मेकअप करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा है, और सुबह उठना वाकई बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्या बहुत अच्छा लगा, और सर की बातें और सर का अंदाज ऐसा होता है कि बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है, तो सर की माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी होती है। और दूसरा वैनिटी के उससे बात करती हूँ तो एंड पे जाती है।